दोस्तों, ये है महाराष्ट्र के साउथ ईस्ट में बसा उस्मानाबाद जिला, जो सपनों की नगरी मुंबई से 411 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। औरंगाबाद डिवीजन में आने वाला ये जिला दक्कन के पठारों में टेरना और मंजीरा नदियों के किनारे बसा है। यह जिला अपनी सीमाएं बीड, लातूर, सोलापुर, अहमदनगर और कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले के साथ साझा करता है। इसके चारों ओर बालाघाट रेंज भी फैली हुई है। उस्मानाबाद अपने कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए भी जाना जाता है। MH-25 नंबर प्लेट वाले वाहन आपको उस्मानाबाद की सड़कों पर दौड़ते हुए देखने को मिल जाएगी। खाने पीने की बात करें तो यहाँ की 10 मिनट डूबी हुई गुलाब जामुन बहुत ही फेमस है। नॉन वेज में बकरी का मटन यहाँ बहुत प्रसिद्ध आइटम है। यहाँ आने पर आपको इन लजीज पकवानों का जायका कतई मिस नहीं करना चाहिए। उस्मानाबाद के इतिहास में थोड़ा और गहराई से जाने पर पता चलता है कि उस्मानाबाद का नाम हैदराबाद के अंतिम सुल्तान मीर उस्मान अली खान के नाम पर पड़ा था। शुरुआती शताब्दियों में कुछ टाइम के लिए यहां पर चालुक्य यादवों, बैमनी बीजापुर और मुगलों का भी शासन चला था। सन 1948 में हैदराबाद आजाद भारत का हिस्सा बना। तब उस्मानाबाद को हैदराबाद से अलग कर बॉम्बे राज्य का पार्ट बनाया गया। सन 1960 में उस्मानाबाद को महाराष्ट्र के एक स्वतंत्र जिले के रूप में पहचान मिली। इसे पुराने समय में धाराशिव भी कहा जाता था। इसका यह नाम यहाँ मौजूद धाराशिव गुफाओं से पड़ा था। अब आधिकारिक तौर पर इसका नाम धाराशिव हो चुका है। आज के टाइम में पूरा उस्मानाबाद 7,569 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो एरिया वाइज मराठवाड़ा रीजन का सातवां सबसे बड़ा शहर है। 2011 के सर्वे के अनुसार यहाँ की आबादी 16.5 लाख लोगों की है, जो इसे आबादी के मामले में महाराष्ट्र का 39वां सबसे बड़ा शहर बनाता है। इसकी यह आबादी गिनी बिसाऊ देश की आबादी के लगभग बराबर है। यहाँ हर 1,000 मर्दों पर 924 औरतें पाई जाती हैं। यहाँ की 78.44% आबादी पढ़ी लिखी है। यह जिला मराठवाड़ा का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा यहाँ मराठी ही बोली जाती है। इसके अलावा बाकी लोग हिंदी, उर्दू, लंबाड़ी अपनी प्रथम भाषा के रूप में बोलते हैं। 86.73% हिंदू, 10.79% मुस्लिम और 1.70% बौद्ध धर्म के लोग अपने उस्मानाबाद शहर पर गर्व करते हैं। अब बात करें यहाँ के इनकम सोर्सेज की, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था खेती बाड़ी पर टिकी हुई है। ज्वालामुखी चट्टान के जमाव से बनी यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है, इसीलिए यहाँ कपास का अच्छा खासा उत्पादन होता है। इसके अलावा जवार, चावल, मूंगफली, चना, गेहूं और गन्ने की खेती करके यहाँ के लोग अपना पेट पालते हैं। उस्मानाबाद में कई उद्योग और चीनी मिलें भी है। टाटा इंटरनेशनल द्वारा उस्मानाबाद में 300 एकड़ की जमीन पर चमड़ा यूनिट लगाने की प्लानिंग भी चल रही है। उस्मानाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया MIDC बेल्ट में स्थित है, जहां पर कई कंपनियों ने अपने कारखाने खोल रखे हैं। यहाँ के उद्योगों से जुड़ी सेवाओं को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यह शहर रेल, सड़क और हवाई तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। यहाँ का मुख्य जंक्शन उस्मानाबाद और न्यू उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन है, जहाँ से नागपुर, कोल्हापुर, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों के लिए ट्रेन मिल जाती है। NS-52, 63, 65 और 361 इसी शहर से होकर गुजरता है। यहाँ एक एयरपोर्ट भी है, जिसे उस्मानाबाद एयरपोर्ट कहा जाता है, पर यहाँ कोई कॉमर्शियल प्लेन लैंड और टेक ऑफ नहीं करती है। उड़ान भरने के लिए आप नजदीकी औरंगाबाद और नांदेड़ एयरपोर्ट का सहारा ले सकते हैं। आपको ये शहर कैसा लगता है कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।